परमाणु बमों के ढेर पर बैठी दुनिया के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज से 60 साल पहले शीत युद्ध के जमाने में रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का परीक्षण किया था। यह परमाणु बम अमेरिका के जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3,333 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यह परमाणु बम एक झटके में किसी महानगर को राख के ढेर में बदल सकता है। मानवता की ओर से किया गया यह अब तक का सबसे शक्तिशाली विस्फोट था। इसके बाद पूरी दुनिया दहशत में आ गई। इस परमाणु बम का नाम था चार बाम्बा। 30 अक्टूबर 1961 को इसका परीक्षण आर्कटिक समुद्र के पास स्थित सेवर्नी द्वीप पर किया गया था। यह परमाणु विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसको 1000 किमी दूर तक देखा गया। रूसी परमाणु बम की महाविनाशक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको लंदन जैसे शहर पर गिराने पर हर तरफ बस राख ही राख दिखाई देगी। चार बाम्बा से 50 मेगाटन टीएनटी के बराबर विनाश होगा। ब्रिटिश इतिहासकार एलेक्स वेलरस्टेन कहते हैं कि आज इस बम को लंदन पर गिराने पर 58 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। इसका असर लंदन से 9 किमी दूर तक भारी तबाही वाला होगा। इसके विस्फोट से हर इमारत जमींदोज हो जाएगी। इसका हल्का असर करीब 50 किलोमीटर दूर तक रहेगा। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। रूस के इस धमाके के शनिवार को 60 साल पूरे हो गए। इसकी गूंज आज भी दुनिया में सुनी जा सकती है। वैश्विक स्तर पर हथियारों की रेस अब नए मुकाम पर पहुंच रही है। चीन ने अंतरिक्ष में चक्कर काटने वाली मिसाइल दागकर कोहराम मचा दिया है। रूसी परमाणु बम को विमान ने आर्कटिक समुद्र में नोवाया जेमालिया के ऊपर बर्फ में गिराया था। इस महाविनाशक परमाणु बम को एक खास प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। बाद में इस परमाणु बम के बारे में पश्चिमी दुनिया को पता चला तो इसे जार बाम्बा नाम दिया गया। इस महाविनाशक परमाणु बम का खौफ इतना ज्यादा था कि कैमरों को सैकड़ों मील की दूरी पर लगाया गया था। साथ ही उन्हें लो लाइट की पोजीशन में रखा गया था ताकि वे परमाणु विस्फोट की चमक में अंधे न हो जाएं। इन शक्तिशाली कैमरों ने करीब 40 सेकंड तक आग के गोले का वीडियो बनाया। उसके बाद यह मशरूम के बादल के रूप में बदल गया। इस विस्फोट स्थल से 100 मील की दूरी पर स्थित एक विमान ने मशरूम के आकार के गुब्बारे का वीडियो बनाया। इस विस्फोट के फुटेज को रूस ने करीब 60 साल तक टॉप सीक्रेट रखा, लेकिन बाद में उसे जारी कर दिया था। इस परमाणु बम को पहले ट्रेन के जरिए ओलेनिया एयरबेस ले जाया गया था। वहां से उसे लंबी दूरी तक मार करने वाले TU-95 बॉम्बर के अंदर लादा गया था। 30 अक्टूबर को इस बॉम्बर ने उड़ान भरी थी और करीब 600 मील की यात्रा करके सेवर्नी द्वीप पहुंचा था। यह द्वीप आर्कटिक के काफी अंदर है और बॉम्बर ने वहां पर बम को एक पैराशूट के माध्यम से गिरा दिया। इससे बम धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ा और विमान को इतना समय मिल गया कि वह विस्फोट की जद में न आ सके। जार बाम्बा के परीक्षण के बाद अमेरिका और रूस ने वर्ष 1963 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद दोनों देशों ने हवा में परमाणु बमों के परीक्षण पर रोक लगा दी। इसके बाद दोनों देशों ने जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।